कौन नेता भी जेल में है? नवाब नवाब मलिक एक साल से जेल में है। चक्की पीसिंग 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 आटा फैलिंग, लेकिन बेल नहीं हो रही है। लेकिन बीच में मत चौकी आने ना, ये गलत होता है मालूम। संजय राउत को लेकिन बेल मिली है। मैं अभी उत्तर दे रहा हूँ। मैंने अनिल देशमुख बोल लेने दीजिए सर प्लीज। देशमुख जी को भी मिली है प्लीज। अरे भाई पहले बेल का एक्विटल का कन्विक्शन क्या होता है, अपील क्या होती है समझ लीजिए, उसके बाद आइए चर्चा पे। जरूरी है कि नर्सरी में पढ़ते हो और पीएचडी का जो प्रोफेसर है उससे चर्चा करेंगे, मत करिए चर्चा। अरे मैं आपसे जिम्मेदारी से जो बात कह रहा हूं वो सुनिए। मैंने बताया राहुल गांधी सोनिया गांधी रॉबर्ट वाड्रा सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी परिवार, तीनों भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है, सुप्रीम कोर्ट तक गए लेकिन रद्द नहीं हुआ मामला, ये सच्चाई है। उसके बाद समाजवादी पार्टी पे आते हैं, समाजवादी पार्टी आजम खान आपको याद है इनकी सरकार थी और पुलिस से कहते थे कि भैंसों को ढूंढो, आजम खान की दूध निकाल के लेके आओ, और अभी किसानों की जमीन हड़प ली थी अंदर है, निरस्त नहीं हुआ। इनके ऊपर आते हैं नवाब मलिक, एक साल से बेल नहीं हुई है उनकी। ये सोनिया सेना के साथी थे, सोनिया सेना में संजय राउत, उनका मुकदमा खत्म नहीं हुआ है। पार्था चैटर्जी गुलाबी अभी बीच में नहीं बोलिए, देखिए ब्रजमोहन जी सम्मान मना रहे, सम्मान मना रहे। गुलाबी गड्डियों के ऊपर जवाब देने दीजिए सर। गुलाबी गड्डियों के ऊपर पार्था चैटर्जी लेते हुए थे, मनीष सिसोदिया मसाज करवा रहे, स्पा मसाज सेंटर आओ 150 रुपए में चंपी दूंगा, हुई क्या उनका मामला निरस्त हुआ, बेल नहीं हुई है। सत्येंद्र जैन मनीष सिसोदिया सब अंदर है। मैं केवल एक बात कहूंगा, 100 भ्रष्टाचारी गीदड़ मिल जाए, एक शेर है देश में दहाड़ेगा सब भाग जाएंगे, ये सच्चाई है। बच्चों ने प्रश्न किया, लोकतंत्र में शेर आदमखोर हो गया है। अच्छा राहुल गांधी की बात कर रहे हैं चूहे की, है बिल में छुपा हुआ है, बता रहे हैं प्लीज 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 नेता नेता मत बोलो यार, काहे को वो कर यार नहीं हूं मैं आपका, राहुल गांधी होगा ठीक है ना। चलिए अरे भाई आदरणीय गौरव भाटिया जी, जो आप भ्रष्टाचारियों के अब जो भ्रष्टाचारियों के केस लड़ा करते थे कथित रूप से, आज जिनको कह रहे हैं मैं उस गौरव भाटिया से कह रहा हूँ, जो वो और उनके पिताजी भी अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव का केस लड़ते लड़ते कहाँ चले गए पता नहीं है। आज क्या बात कर रहे हैं आप, उल्टी सीधी बात करते हैं। मैं केवल इतना बोलूंगा, मैं पिताजी के नहीं आपके बारे में, की तरफ देश को नहीं बेचा मेरे पिताजी ने, अरे क्या क्या बेचा है मुझे घर में, मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा हूं। अब आप आ जाइए, बात मत करिएगा, मस्त करो मस्त करो, हाथ में टॉपिक 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 उड़ जाएंगे, तुम किस केस की मूली हो, टॉपिक 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 पर्सनल, ठीक है ठीक है आपने जवाब दे दिया, ठीक है गौरव जी प्लीज। 4 साल पहले क्या करते थे सब, चलिए सुरेंद्र करो के हाथ में लोकतंत्र जाने से, सुरेंद्र जी प्लीज घर की बातें करेंगे प्लीज, घर में किसी के पिता स्वर्गीय हैं आप यहाँ पे टिप्पणी कर रहे हैं, गौरव जी हो गया मक्खन लगाने के लिए 11 रुपए की दिहाड़ी लेने के लिए, शर्म नहीं आती है हम लोग, शर्म नहीं आती है हमको मिल जाता है। अभी आपके पिताजी के बारे में बोलूंगा नहीं क्योंकि मेरे संस्कार नहीं है। सुरेंद्र जी टॉपिक पे, अरे दोनों तरफ से फायरिंग की जगह जवाब तो दे दीजिए, बस मैं उत्तर दे देता हूँ। देखिए इन लोगों का क्या है मैं आपको बताऊं, इनको ये चाहिए सबको बनना है प्रधानमंत्री, योग्यता नहीं है आपके लिए कार्य नहीं करेंगे, ये रहेंगे मंडे को शरद पवार, ट्यूसडे को ममता बनर्जी, वेडनेसडे को अरविंद केजरीवाल, थर्सडे को नीतीश कुमार, फ्राइडे को तेजस्वी यादव, सैटरडे को उद्धव ठाकरे, और संडे को काम नहीं होता इसलिए राहुल गांधी। पढ़े लिखे लोग फिर सारे पढ़े लिखे लोग हैं, आपको मालूम है आप नहीं, डिस्क्लेमर आएगा जो क्या कर रहे हो आप, मैंने क्या कुर्सी है, अरे राहुल गांधी पर वो हमला करेंगे तो मैं डिस्क्लेमर क्यों दूंगी यार, मुझे मेरा काम थोड़ी है कि ये जो मेरा जो शो है ये शो है इतना गंभीर शो है, इस शो में राजपाल यादव बार बार आ जा रहे हैं। अरे भाई कुछ मुद्दे की बात कीजिए, बता दीजिए रोजगार क्यों नहीं दे रहे हो, बता दीजिए महंगाई क्यों नहीं खत्म कर रहे हो, बता दीजिए चीन की समस्या क्यों नहीं खत्म कर रहे हो, बता दीजिए ना अग्निवीर का क्या मुद्दा हो रहा है। विपक्षी एकजुटता पे मैंने पूछा, आप बस हाथ ऐसे करके मुस्कुरा रहे हैं। नहीं नहीं आपने पूछा नहीं, मैं तो कब से तरस रहा हूँ कि मुझसे भी पूछा जाए, कोई बच्चा आपसे सवाल ही नहीं कर रहा था, मेरी पूछिए बताइए। देखिए ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब इन्होंने एक शब्द बोला तो आज तक ना हस्तक्षेप किया, लेकिन आज तक को हस्तक्षेप तब भी करना चाहिए था जब बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि चौकीदार चोर है, ये कहा था माफी मांगनी पड़ी और इस शो में बोला गया इस पे भी मुकदमा होगा सजा होगी, और अगली सांस में फिर क्या बोला, गली गली में शोर है गांधी परिवार चोर है, चौकीदार चोर है, मैं बोला था आपके बीच में
बोला कान साफ नहीं कर रहा, चौकीदार चोर है जब बोला। अरे हम कान साफ कर भी देते हैं, कान साफ चौकीदार चोर है बोलते हैं, इनका कान बंद हो जाता है, गजनी बन जाते हैं। ओ भैया आओ गले लगे, और हम अगर आपत्ति दर्ज कर देंगे, कैसे बोल दिया, कैसे बोल दिया। भारतीय जनता पार्टी की ये पहचान बन चुकी है, बदजुबानी। आपकी क्या पहचान है? धमकी है, सरकारी बंदे से 200 रुपए की टोटी चुराते हो तो ये पहचान है। इस पे आप डिस्क्लेमर देंगे कि नहीं देंगे? पहचान बन चुकी है, इस पे डिस्क्लेमर देंगे क्या? क्या गौरव भाटिया के बाप ने कोई मुकदमा कराया टोटी चोरी का? आप के बाप के बारे में नहीं बोलूंगा, उनसे झगड़े सुलझाने के लिए खड़ी हूं। आदमी के मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी, जिस आदमी के 2017 तक ये पैर छूता था, मैं आज भी कह रहा हूं, पर्सनल अटैक से कोई फायदा नहीं। आखिरी एक दो सवाल पर लेंगे, मुझे सख्त आपत्ति है इसमें। आप इन्हें बकवास करने देती हैं, टोकती भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी कह रहे हैं, आप भी तो बाप तक पहुंच गए, आप अपनी भाषा देखिए, यही हालत है आजकल के प्रवक्ताओं की, सारे प्रवक्ताओं की यही हालत है। मैं तो देश का प्रधानमंत्री है, चलिए इसी के साथ तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।